घर में कभी गाली देते हैं, फला फला पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कभी मत गाली दो, कभी गाली मत दो, क्योंकि हमारे जीव के ऊपर लोग कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती का वास है। लेकिन हो सकता है जब आप अपने मुंह से वो लफ्ज निकाल रहे हैं उस समय सरस्वती का वास हो तो सच हो जाएगा। तो इसलिए कभी मत दो। इनके पिताजी ने जो बात कही थी कि एक दिन इनका नाम पूरे कटरा में हो, मात चंडी रानी इनकी नयन तेरे द्वारे हो, पाडेरे वाली इनकी नयन तेरे द्वारे हो, मात चंडी रानी इनकी नयन तेरे द्वारे हो, पाडेरे वाली इनकी नयन तेरे द्वारे हो। बदर वचनों ते जम्मू छड़िया जो आया, पाडेरा दे लोका मियां मंदिरे ना वाड़िया, हो तक्के मारी हो उना संगतान साया हो, मात चंडी रानी है निकी ना द्वारे तेरे। मेरा नाम ज्योति देवी, मैं कटरा से। मैं ये कहना चाहती हूँ सभी भक्तजनों से कि मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिसको आप सभी भाई बहन सपोर्ट करेंगे तो ही मैं उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगी। जिस दिन मुझे पता चला कि पाटर मचेल में बहुत झगड़ा हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, तो उसी दिन रात को मैंने ये रोते रोते भजन खुद लिखा है, खुद कंपोज करा है, जम्मू से करवाया, नरेश भैया जी ने म्यूजिक करा है, कृष्णा भैया जी ने इसका वीडियो करा है, सारी शूटिंग जम्मू में हुई है। तो मेरा ये भजन करने का एक ही मकसद है कि 20-25 साल से ये यात्रा ठाकुर साहब की लेते चले गए हैं और चलाते जा रहे हैं। शुरू में ये यात्रा 1,000 थी, आज ये यात्रा 2,00,000 प्लस है। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी पाडर में हुआ भक्तों के साथ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं पाडर वालों को भी गलत नहीं कह रही हूँ, वो भी हमारे भाई बहन है, सभी एकजुट है, सिर्फ उनको अपनी गलती मान लेनी चाहिए जो उन्होंने गलती करी है। ठाकुर साहब जी से माफी मांगे और जैसे यात्रा ये चलती आई है वैसे ही यात्रा चले। मेरा इस भजन के ये यही मैसेज है कि जिनके साथ भी जो हुआ वो कभी ये ना सोचे कि हम यात्रा बंद कर देंगे, सभी एकजुट होकर पाडर वाले, भद्रवाह वाले, जम्मू कटरा सभी एकजुट होकर माँ का प्रचार करें, ना कि एक दूसरे के लिए दिल में दुश्मनी की भावना डालें। बस यही मेरा मैसेज है। मैं चाहती हूँ इस मेरे भजन को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे अपना आशीर्वाद दे सभी मेरे भाई बहन। जय चंडी माँ। 2 लाइन